नमस्ते, मैं हूँ सपना खंडेलवाल और ये सेशन हम कर रहे हैं देवदीति फाउंडेशन के अंतर्गत। देवदीति फाउंडेशन के अंतर्गत हम वैदिक हेरिटेज सेशंस रन करते हैं और आप लोग वैदिक हेरिटेज सेशन के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन में आज आए हैं। तो अब मैं मंत्र उच्चारण कर रही हूँ और उसके बाद हम सेशन शुरू करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। तो इस वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम में हम बच्चों के लिए मेनली बहुत सारे श्लोक मंत्र वाल्मीकि रामायण तो कर ही रहे हैं, उन्हें अपने त्योहारों से जोड़ते हैं, उन्हें अलग अलग आयामों से अपने संस्कृति से हम जोड़ते चले जाते हैं। तो अब मैं आज का जो सेशन है, इट इज सपोज टू बी ऑफ नवरात्रि एंड रामनवमी। क्या हमने कभी सोचा कि ये नवरात्रि और रामनवमी का क्या कनेक्शन है? और हम में से किसको पता है नवरात्रि कितने बार आती है? आद्या आन्या, हाउ मेनी टाइम्स अ ईयर डू वी हैव नवरात्रि? Do you know? Yes, tell me. Twice. Tell me. Ma'am, two times. Two times. Navratri do baar aati hai. Haan? Kab kab aati hai Navratri? Ek baar abhi aati hai. Abhi. And the next Navratri is, where is it? Next. In the winter. In the winter. Great. So one Navratri is in the summer. One Navratri is? Perfect. So, एक नवरात्रि अभी है और एक नवरात्रि विंटर में आएगी, तो वाई टू एंड व्हाट इज द डिफरेंस? दो क्यों होती है? हैव यू एवर थॉट? डू यू नो? ओके, नवरात्रि में किसकी पूजा करते हैं? यू नो, नवरात्रि में हम किसकी पूजा करते हैं? वी डोंट नो। ओके, यू नो, टेल मी। मैम, शेर वाली माँ की। हेरा वाली माता की पूजा करते हैं। ओ माय गॉड, आपने किसी ने देखा है? अगर हम लोग कोई शेर पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? कैन वी क्लाइंब ऑन टॉप ऑफ अ शेर? व्हाट विल द शेर डू? ही विल ईट यू अप, है ना? तो हमने कभी सोचा कि ये हमारी कैसी माता है जो शेर पे चढ़ती है और हम उनको प्रे करते हैं? हाँ, सो आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन और आई विल टेक यू ऑन अ जर्नी, ऑन अ ब्यूटीफुल जर्नी, कि ये माता है कौन, इनकी पूजा हम करते क्यों हैं, ये शेर पे क्यों राइड करती हैं, इनके पास इतना पावर कहाँ से आया? इज दैट गुड? इज दैट गुड? यू वॉन्ट टू लिसन? या यू आर वॉन्ट टू लिसन टू अ नाइस स्टोरी ना? ओके, सो टूडे सेशन वी विल डू टू थिंग्स। टूडे सेशन हम नवरात्रि का करेंगे एंड हम एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे रामनवमी। Who knows what Ramnavami is? Raise your hand. Who knows what Ramnavami is? You know? Ram's birthday. Ram's birthday. Oh. Yahan pe to sare bachche itne jinke Ram's birthday. Wonderful. So Ram's birthday hum kyun celebrate karte hain? Kisko pata hai? राम का बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए? आपका बर्थडे तो आपके पापा मम्मा दादी दादू सब सेलिब्रेट करते हैं ना, आपका बर्थडे, पर राम जी का बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए हमको? क्यों करना चाहिए? अनम्यूट करो भरत समय आने। राम जी का बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए हमको? हू नोज, जल्दी से बताओ। क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करते हैं। कैन आई हैव यू ऑन स्क्रीन? राम जी बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए हमें उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। भगवान जी भी है। भगवान जी भी हैं और वो बहुत अच्छा काम भी करते हैं। सो हमारे दो सेट्स ऑफ ट्विन्स हैं, आद्या आन्या, भरत समत। नाउ गिव मी योर थम्स अप। किस 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 को देखना है मेरा स्लाइड शेयर? स्क्रीन देखना है? To a very interesting story. Okay, perfect. So I'm going to take you on a journey, and this journey is going to be beautiful. बहुत ही अच्छी journey होगी। किसको राक्षस से डर लगता है? राक्षस क्या होता है? किसको पता है राक्षस क्या होता है? जल्दी से बता। बहुत गंदा आदमी होता है। राक्षस बहुत गंदा आदमी होता है। राक्षस क्या करता है? राक्षस क्या करता है?
मार डालता है। ओ अच्छा, किस किस को राक्षस के नाम पता है? एनी राक्षस, हु नोस? क्या टाइगर राक्षस? ओके, भरत समझ को राक्षस है। रावण, परफेक्ट। कारुकासुर, कुंभकर्ण रावण, महिषासुर और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ओ माय गॉड, इतने सारे नेम आते हैं। क्या चीज? राक्षस देखना नहीं है पहले का? ओके देखना ओके, नाउ पॉज। अब सब म्यूट पे हो जाओ एंड लेट अस गो टू आवर स्लाइड शेयर। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड। 1 मिनट। ओके, लेट मी रिमूव द पिन फर्स्ट एंड देन आई विल। ओके, तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, और उस स्क्रीन पे, एक सेकेंड, लोग आ रहे हैं। अरे आप एडमिट करो बेटा। ओके, उस स्क्रीन पे हम देखेंगे बड़ी फैसिनेटिंग जर्नी, और उस फैसिनेटिंग जर्नी में लेट मी नो व्हेन यू ऑल कैन सी माय स्क्रीन। ओके, 1 सेकेंड, यू ऑल कैन सी ब्लैंक स्क्रीन स्क्रीन ना? ओके, डोंट एडजस्ट पहले से। 1 सेकेंड, मैं सारे मंत्र अभी नहीं कर रही हूँ। ये सारे मंत्र हम लोग जो करते हैं रेगुलरली, वो हम आज स्किप कर रहे हैं, और हम सीधा शुरू करेंगे नवरात्रि से। ओके, तो ये नवरात्रि, व्हाट इज नवरात्रि मीन? हु नोज व्हाट इज नवरात्रि? नानी, इट मीन नाइन नाइन इट मीन्स 9 nights, राइट? तो व्हेन वी से 9 nights, तो ये जो 9 nights होती हैं, एक मिनट मुझे वो करने दो। ओके, अब आदि आना ने बताया था कि एक सेकेंड ना बेटा, ये चैत्र में जो नवरात्रि आती है ना, तो हुआ क्या था कि किसको पता है महिषासुर का नाम किसने सुना है? पहले बताओ, महिषासुर का नाम किसने सुना हुआ है? ओ, हिरल ने भी सुना हुआ है महिषासुर का नाम। ग्रेट, और किसे सुना है? अनय ने सुना है। महिषासुर का क्या मीनिंग था? व्हाट इज महिषासुर? हु नोस, महिषासुर में क्या स्पेशल था? महिषासुर में बफलो और ह्यूमन बीइंग की बॉडी थी। मैम, हाँ जी बोलो, कौन बोला? चलो अब हम देखते हैं। हाँ कौन बोल रहा है? बोलो बेटा, आगे बोलो। महिषासुर ने बहुत घोर तपस्या की थी। हाँ उसने, ब्रह्मा देव ने, तो हाँ जिससे उसे अमर होना था, हाँ लेकिन उसने बोला था ब्रह्मा देव ने कि हाँ हम अमर नहीं होने देंगे, क्योंकि जो धरती पे आता है उसे जाना होगा। तो फिर उसने बोला कि मैं यू इंसान, देव लोगों से और इनसे मर नहीं सकता, बस मेरे को कोई स्त्री मार सकती है। तो वंडरफुल। तो हीरल ने जो बताया है वही स्टोरी हम पिक्टोरियल फॉर्म में देखेंगे। ओके, गिव मी थम्स अप क्विकली। किस किस को देखनी है स्टोरी? ग्रेट, ओके ओके हीरल, ठीक है। अच्छा, तो ये ना रंभ, एक राक्षस दानव था, उसने बहुत, अपने आप को म्यूट करिए प्लीज, सब लोग म्यूट करो अपने आप को। रंभ जो एक राक्षस था, दानव था, उसने बहुत पूजा करी, बहुत तपस्या करी, बहुत प्रार्थना करी, और अंत में इतनी कठोर तपस्या करी कि ब्रह्मा जी को आना पड़ा। और ब्रह्मा जी ने उसको कहा, बोलो तुम क्या मांगते हो? तो रंभ ने कहा, मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो कभी भी किसी के अंडर ना हो, कभी भी मरे नहीं, कभी भी उसको कोई जीत नहीं सके, वो हमेशा विजयी बने। तो उसने कहा कि ये ठीक है, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, पर तुम ध्यान रखना कि तुम जैसी भी स्त्री से विवाह करोगे, एक सेकेंड मुझे म्यूट करना पड़ेगा, बहुत आवाज आ रही है। एक मिनट, किस, कौन म्यूटेड नहीं है? 1 सेकेंड ना, गिव मी अ सेकेंड, मुझे स्टॉप शेयर करना पड़ेगा। आपके किसी के यहां से आवाज आ रही है और मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, कहाँ से आ रही है? वो थोड़ा, नानी, आई एम म्यूटेड द पर्सन। ओके प्लीज म्यूट, आई नीड जस्ट बी विजिलेंट बिकॉज़ आई कांट हियर।
and then it disturbs. Okay, all right. Yeah. Let's go back to our screen share. तो उसने कहा तुम्हें ये ध्यान रखना कि जैसे भी लेडी से तुम शादी करोगे ना तुम्हारा बच्चा वैसे ही होगा. तो उसने कहा ठीक है. तो रंभ नाम का दानव, इसका नाम है रंभ और ये है ब्रह्मा जी, रंभ नाम का दानव ने बहुत तपस्या करी, अग्निदेव को उसने प्रणाम करा और वो ढूंढने निकल गया कि मैं किसी लेडी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि जिससे भी मेरा विवाह हो जाएगा तो मेरा एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो जो बहुत पावरफुल होएगा, जो इनविंसिबल होएगा, जिसको कोई नहीं मार सकेगा. तो जब वो जा रहा था तो वहां पे बीच में एक माउंटेन दिखा, यक्ष पर्वत. यक्ष एक स्पीशीज ऑफ लोग होते हैं और वहां पे उसे एक बहुत सुंदर फीमेल बफलो दिखा, बहुत ही ब्यूटीफुल फीमेल बफलो. और उसके देखो हॉर्न्स कितने सुंदर हैं, है ना. तो जो फीमेल बफलो को देखा इस रंभ नाम के दानव ने, ही फेल इन लव. तो उसने बोला मुझे तो इसी से विवाह करना है. तो जब उसने बोला मुझे इसी से विवाह करना है तो ब्रह्मा जी की बात याद आ गई, जिससे शादी करोगे वैसा ही पुत्र पैदा होगा. बट स्टिल उसने बोला, रंभ ने महिषी को बोला कि हे महिषी तुम मुझसे विवाह करोगी, शादी करोगी. महिषी ने कहा ठीक है, परंतु उसके लिए तुम्हें भी अपना फॉर्म बदलना पड़ेगा, तुम्हें भी अपना रूप बदलना पड़ेगा. तो महिषासुर ने कहा इसने कहा मैं कर लूंगा. तो उसने अपना फॉर्म बदला और फॉर्म बदल के, क्योंकि वो बहुत लव में था ना, उसने अपना फॉर्म बदला, वो भी बफलो बन गया और शरीर को पफ करता गया, हवा भरता गया अपने अंदर और अपनी बॉडी को एक बफलो की बॉडी बनाई. और फिर उसने दोनों ने शादी कर ली. और जब उन दोनों ने विवाह कर लिया तो कुछ टाइम के बाद उनके घर में एक बेबी पैदा हुआ और वो जो बेबी था महिषी नाम की फीमेल जो बफलो थी और एक राक्षस दानव रंभ, इन दोनों का बेबी जो हुआ उसका नाम रखा गया महिषासुर. महिषासुर पैदा हुआ क्योंकि वो हाफ बफलो था और हाफ राक्षस था. सबको समझ में आई ये बात? ओके. तो ऐसे तो महिषासुर पैदा हो गया. अब ये महिषासुर पैदा हुआ ना तो सब राक्षसों को वरदान मिला हुआ है, वो इमिजिएटली बड़े हो जाते हैं. जब ह्यूमन बेबी बॉर्न होता है तो कितना टाइम लगता है बड़े होने में, जब ह्यूमन बेबी को कितना संभालना पड़ता है. आद्या ना, आपकी मम्मा ऐसी छोड़ देती है कि आपका ध्यान रखती है हर टाइम? ध्यान रखती हैं, आपको स्कूल लेके जाना पड़ता है, आपके पापा कमा के लाते हैं, घर में सब चलता है. अनय भरत सब, मम्मा पापा टीचर सब आपका ध्यान रखती है कि नहीं रखती? अगर आपके पापा मम्मा आपको ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या आप अपने आप बिग हो जाओगे? बिना कोई आपको खाना खिलाए, बिना कोई आपको कपड़े पहनाए, बिना स्कूल भेजे, कि अगर आप लोगों को ऐसे छोड़ दोगे तो ह्यूमन बेबी बड़ा हो जाएगा अपने आप? नहीं होगा ना. तो आपको पापा भी चाहिए, मम्मा चाहिए, दादी दादू नानी नानू सब लोग चाहिए ना घर में आपका ध्यान रखने के लिए. आपके घर में आपके बेडरूम्स हैं, आपका टेलीविजन, आपका फर्नीचर, आपका किचन, सब कुछ है. पर ये राक्षसों की लाइफ में, ये लोग फॉरेस्ट में बड़े होते हैं, ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया, वो पैदा होंगे और इमिजिएटली बड़े. सोचो उनका इमिजिएटली बड़े हो जाते हैं मैजिक से, है ना. सो लेट्स गो बैक टू अवर स्क्रीन शेयर. अब हम देखते हैं कि जब महिषासुर बड़ा हुआ तो महिषासुर तो पैदा हुआ और महिषासुर बड़ा हो गया. और जब महिषासुर बड़ा हो गया, एक सेकेंड, तो जब महिषासुर बड़ा हुआ तो महिषासुर ने भी बहुत तपस्या करी, उसके पापा ने भी बहुत तपस्या करी थी, है ना. पापा उसके पिताजी रंभ नाम के दानव ने, तो महिषासुर कभी अग्नि पे खड़ा हो जाता, कभी एक टांग पे खड़ा रहता, इतनी तपस्या करी, कभी जल में, कभी पहाड़ों के ऊपर, कभी कहीं जाके फायर के ऊपर खड़ा हो गया महिषासुर. तो इतनी तपस्या के बाद अंत में ब्रह्मा जी को आना ही पड़ा. क्यों आना पड़ा ब्रह्मा जी को? एक सेकेंड मैंने, हाँ, ब्रह्मा जी को क्यों आना पड़ा? क्योंकि ब्रह्मा जी को, एक मिनट में आपका ना वो हो रहा है, एक मिनट. हाँ, आप लोगों को एक मिनट, एक सेकेंड. ओके, समथिंग इज नॉट क्वाइट ओके.
तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा, क्योंकि इतनी जो तपस्या करता है ना, तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा देखो मुझे तुमको वरदान तो देना पड़ेगा, तो तुमको क्या चाहिए? तो ब्रह्मा जी ये इसने बोला महिषासुर ने, जैसे वो अभी बताया था ना हीरल दीदी ने, हीरल दीदी ने बताया था ना, महिषासुर ने बोला कि मैं इतना पावरफुल बनना चाहता हूँ और मैं अमर होना चाहता हूँ कि मैं कभी भी नहीं मरूं और मैं सब लोगों को कंट्रोल कर लूं और रूल कर लूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम रूल तो कर लोगे, कंट्रोल भी कर लोगे, पर अमर नहीं हो सकते। जो इस पृथ्वी पे आया है उसे मरना तो पड़ेगा। तो फिर महिषासुर ने बहुत सोचा 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 सोचा, तो महिषासुर ने कहा, महिषासुर ना गर्ल्स को बहुत वीक समझता था, महिषासुर को गर्ल्स अच्छी नहीं लगती थी और वो समझता था गर्ल्स में कोई टैलेंट नहीं है, गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती। तो उसने कहा ब्रह्मा जी आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं गर्ल के हाथ से नहीं मरूं, कोई भी मुझे मेल मार सकता है, मेल के हाथ से मैं ना मरूं, क्योंकि उसको लगता था कि गर्ल्स बहुत वीक होती हैं। अच्छा मुझे कौन बताएगा गर्ल्स वीक होती हैं क्या आजकल? जल्दी से बताओ गर्ल्स वीक होती हैं क्या? नहीं, गर्ल्स नहीं, बहुत स्ट्रांग होती है ना, ये भरत समाज आने मुझे बताएंगे गर्ल्स वीक होती हैं क्या? नहीं, नहीं, गर्ल्स बहुत पावरफुल होती हैं, गर्ल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, और जो हमारी लाइफ में जो भी गर्ल्स होती हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जितने भी बॉयज इस सेशन में अब सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, हम सब सारे बॉयज को, सारे मेन को, जो भी उनके लाइफ में विमेन है गर्ल्स है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए ना आध्याना, है ना? वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर, है ना? एंड द बॉयज मस्ट रिस्पेक्ट द गर्ल्स, इज दैट गुड? ओके वन सेकेंड, आई हैव टू रिमूव द पिन, नहीं तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आती है। ओके तो अब वापस अपनी शेयर स्क्रीन पे चलते हैं, और हमारी शेयर स्क्रीन बड़ी मजेदार है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, जब आपको चाहिए ही वर कि आपको कोई मेल नहीं मारे, आपको कोई पुरुष नहीं मारे, तो मैं देता हूं, पर ये ध्यान रखना कि कोई भी लेडी आपको मार सकती है, कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री आपको मार सकती है। तो महिषासुर ने कहा कौन लेडी में इतनी ताकत है कि मुझे मारेगी? महिषासुर बहुत खुश हो गया, और महिषासुर जब खुश हो गया, महिषासुर ने और गंदे गंदे काम करने शुरू कर दिए, सबको मारता था, प्राउड हो गया था, अभिमानी हो गया था, सबके पीछे पीछे भागता था मारने के लिए, सबकी चीजें छीन लेता था, इतना ज्यादा वो गंदे गंदे काम करने लगा, सब लोग डर डर के अपनी सिटीज खाली कर करके भाग गए, और भाग के सारे देवता पहुंचे वापस, कहाँ पहुंचे? विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी शिव जी और विष्णु तीनों वहां पे थे स्वर्ग लोक में, और सारे देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी ये आपने क्या किया, आप तो किसी को भी वरदान दे देते हो, और आपने ऐसा वरदान दे दिया और वो महिषासुर इतना पावरफुल हो गया, वो हमें ही मारे जा रहा है, हमें ही मारे जा रहा है, और आपने तो उसको बोल दिया कि तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता आदमी, अब हम क्या करें, अब प्लीज हमें इससे बचाओ, नहीं तो ये असुर, ये राक्षस, ये महिषासुर सारी पृथ्वी का विनाश कर देगा, ये स्वर्ग लोक का, पृथ्वी लोक का, पाताल लोक का, सबका विनाश कर देगा, प्लीज आप हमें बचाओ, आप क्यों ऐसे वरदान देते हो? ब्रह्मा जी ने कहा ओहो अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक प्लान आया, ब्रह्मा जी ने कहा क्यों ना हम सारे देवता मिलके एक ऐसा मैजिक क्रिएट करें, हम सारे देवता मिलके एक ऐसा मैजिक क्रिएट करें कि कुछ उससे एक ऐसा फॉर्म निकले जो इस महिषासुर को मार डाले। तो ब्रह्मदेव ने अपने शरीर में से, अपनी बॉडी में से एक लाल रंग का तेज, उनका पावर, ब्रह्मा ब्रह्मा ने पावर अपना निकाला रेड कलर का, और शिव जी ने व्हाइट कलर का पावर निकाला जो वो रेड पावर में मिल गया, और विष्णु भगवान ने एक ब्लू कलर का पावर निकाला। ये सारे पावर, ये सारे तेज मिल गए, और इतना बड़ा बॉल ऑफ फायर, इतना बड़ा उस पर्वत के ऊपर ये सारे के सारे पावर्स मिल गए। एक सेकेंड, एक मिनट होल्ड करना बेटा, हम एक सेकेंड, एक मिनट होल्ड करो बेटा।
या सॉरी अबाउट दैट, कुछ वो हाँ, तो सारा तेज मिल गया है ना, हमने देखा कि सारा तेज मिल गया। जब ये सारा पावर मिल जाएगा, अगर पावर में पावर मिलता है तो क्या हो जाता है, कौन बताएगा मुझे? अगर पावर में एक, अगर एक पावर में दूसरा पावर तीसरा पावर, तो आप बहुत पावरफुल हो जाओगे कि नहीं होगे? आगे आने तो वो पावर में पावर मिलता चला गया और उस पावर से एक फीमेल फॉर्म आया, और ये फीमेल फॉर्म है, ये बहुत एक सुंदर सी एक गॉडेस, सजी धजी, लंबे केश और ऐसे वस्त्र में निकली, और ये फीमेल फॉर्म निकली, और इनका ये पूरा जो पावर था एक तेजस्वी स्त्री में बदल गया, और वो उनके 10 हाथ आ गए, और 10ों हाथों में अलग 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 उनके इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। तो कैसे हुआ ये? शिव जी ने तो दिया त्रिशूल, ये त्रिशूल है, दिख रहा है आप लोग को, ये शिव जी ने दिया ये त्रिशूल, और काल ने दी तलवार और ढाल, और भगवान विष्णु ने दिया चक्र, देवराज इंद्र ने दिया वज्र और घंटा, अग्नि देव ने दिए ऐसे ऐसे उनको वस्त्र जो कभी भी नहीं घनते होते थे, वरुण देव ने दिया उनको शंख, और ब्रह्मा जी ने दिया कमंडल, पवन देव ने, वायु ने दिया धनुष और बाण, और विश्वकर्मा ने दिया उनको फरसा, और सरोवर ने दिए कभी ना मुरझाने वाले फूल। किस किसने देखा, किस किसने देखा कि सारे पावर जब एक दूसरे में मिले तो उस पावर बहुत पावरफुल हो गया, उस पावर में से एक डिवाइन गॉडेस निकली, उस डिवाइन गॉडेस के 10 हैंड्स हो गए, और 10 हैंड्स जब हुए, अलग अलग देवता ने उनको अलग अलग चीजें गिफ्ट दी, गिफ्ट दी। आपको दिखा आद्य आन्य, यू कुड सी कि किसी ने तलवार दी है, किसी ने चक्र दिया है, किसी ने धनुष और बाण दिया है उस गॉडेस को। तो जो जो वो गॉडेस निकली जिनके 10 हैंड्स थे, वो डिवाइन गॉडेस, वो किस लिए बनी थी? महिषासुर को मारने के लिए, याद रखना है। वो डिवाइन गॉडेस क्यों बनी थी आद्य आन्य? महिषासुर को, महिषासुर को मारने के लिए। और महिषासुर को क्यों मारना जरूरी था? क्योंकि महिषासुर अधर्मी, बिल्कुल उनका आचरण सही नहीं था, और वो बहुत गलत गलत काम करता था, उसको मारना बहुत जरूरी था। ओके ओके, लेट्स गो बैक टू स्क्रीन शेयर, लेट्स सी। अब क्या हुआ, अब जब सारे उनको मिल गए है ना, अगर हमें किसी को मारना है तो हमारे पास वेपन्स भी होने चाहिए है ना, अगर हमारे घर में कोई चोर डाकू घुस आएगा तो हमें किसी चीज से तो अपने आप को बचाना पड़ेगा ना। अब ये दुर्गा माता के पास तो इतनी सारी चीजें हैं, तलवार है, त्रिशूल है, फरसा है, चक्र है, इतनी सारी चीजें, धनुष बाण। तो वो चली गई, दुर्गा माता ने वेट नहीं करा, और वहां से शेर भी आ गया, क्योंकि शेर दुर्गा माता का सवारी है। जैसे हम लोग कार में चलते हैं, बाइक पे चलते हैं, साइकिल पे चलते हैं, वे हम लोगों को व्हीकल चाहिए होता है, हमारे सारे देवी देवता के पास व्हीकल होते हैं। कौन बताएगा विष्णु, विष्णु भगवान का क्या व्हीकल है, किसको पता है? विष्णु भगवान का व्हीकल किसको पता है? आद्य आन्य को पता है विष्णु भगवान का व्हीकल? नहीं पता। ईगल, गरुड़ पे कौन आता है बैठ के? स्नेक। किसका है स्नेक? विष्णु भगवान जी, विष्णु भगवान का है गरुड़, और गरुड़ खाता है सर्पों को। और विष्णु भगवान कहाँ पे लेटते हैं, किसको पता है विष्णु भगवान कैसे लेटते हैं? स्नेक पे लेटते हैं। विष्णु भगवान नागों की शैया पे लेटते हैं, है ना, शीर सागर में नागों की शैया के ऊपर ऐसे विष्णु भगवान, है ना। अच्छा, गणेशा का व्हीकल कौन सा है, किसको पता है? गणेशा। ओके, और कार्तिकेय का व्हीकल क्या है? पीकॉक। और पार्वती मैया का व्हीकल क्या है? पार्वती मैया, दुर्गा मैया, काली में सब एक हैं। पार्वती मैया का व्हीकल क्या है, अभी तो बताया था, शेरावाली माता, है ना, शेरावाली माता।
Okay, so let's go back. Let's go back to our story and see. तो दुर्गा माता के सारे हैंड्स आ गए, दुर्गा माता के सारे वेपन्स आ गए. अब दुर्गा माता ने वेट नहीं करा, दुर्गा माता ने ये नहीं सोचा कि मैं महिषासुर को आने देती हूँ ना. दुर्गा माता खुद पहुंच गई महिषासुर के पास और दुर्गा माता ने बोला कि तुम कौन हो. पर वो महिषासुर, दुर्गा माता तो गई थी युद्ध करने के लिए, पर महिषासुर ने बोला कि तुम कौन हो, इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल, मैं तुमको अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, मैं तुम मेरी पटरानी बन जाओ. मेरी तो बहुत सारी रानियां हैं पर मैं तुम्हें स्पेशल रानी बनाऊंगा, पटरानी बनाऊंगा, और तुम्हें मुझ जैसा कहाँ मिलेगा. तो दुर्गा माता कहती है मैं तो लड़ने आई हूँ और ये ऐसी बातें मुझसे बोल रहा है. दुर्गा माता बहुत एंग्री हो गई, और जब दुर्गा माता एंग्री हो गई, इतनी एंग्री हो गई, उनका इतनी एंग्री हो गई, उन्होंने कहा कि मैं डिसाइड करूंगी कि तुम पावरफुल हो या नहीं. मैं मुझे पता है तुम बहुत बहुत गंदे हो, तुमने सबको तंग करते हो, और अब तुम मुझसे युद्ध करो, अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी. तो महिषासुर तो बहुत खुश हुआ. महिषासुर को लगा कि वो तो बहुत पावरफुल है, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता. और महिषासुर का और दुर्गा माता का खूब युद्ध हुआ. कभी महिषासुर यहाँ जाता, कभी महिषासुर वहां जाता, कभी महिषासुर जो कभी महिषासुर अपना फॉर्म बदल लेता, कभी वो एलिफेंट बन जाता, कभी वो शेर बन जाता, कभी वो अपने सिंगों से पहाड़ों को तोड़ तोड़ के माता पे मारता, दुर्गा माता पे. महिषासुर ने बहुत तरीके से करे, अंत में देवी माता ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा. और जब सुदर्शन चक्र छोड़ा, उसके बाद वो सुदर्शन चक्र सीधा आया और सुदर्शन चक्र से, अच्छा मुझे कौन बताएगा सुदर्शन चक्र से क्या होता है? अगर सुदर्शन चक्र ऐसे फेंकते हैं तो क्या होता है? ये तो भरत समर्थ को पता है, 5-year-old को, कि गला कट जाता है ना. तो अगर किसी का गला कटेगा तो गला कहाँ जाएगा? ऐसे गिर जाएगा. गिर जाएगा कि नहीं? दुर्गा माता ने यू चक्र फेंका और चक्र गया और उनकी मुंडी यू कट गई और वो मुंडी गिर गई. ओ नो, नाउ लेट्स गो बैक टू अवर स्टोरी एंड लेट्स सी कि क्या होता है ना. तो इसकी मुंडी गिर गई, और जब इसकी मुंडी गिरने लगी और मुंडी फिर नई मुंडी आ गई. ओ माय गॉड, वो तो दुर्गा माता मुंडी काटती उसकी मुंडी आ जाती, फिर दुर्गा माता मुंडी काटती फिर उसकी मुंडी आ जाती, काटती आ जाती, काटती आ जाती, काटती आ जाती, ऐसे होता रहा. दुर्गा माता ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, इसके तो सर वापस आई जा रहे, आई जा रहे, आई जा रहे. फिर दुर्गा माता ने एक प्लानिंग करी. दुर्गा माता ने, अब वो बहुत गुस्से में आ गई, क्रोधित हो गई, चंडी का रूप उनमें आ गया. और दुर्गा माता ने त्रिशूल उठाया, और त्रिशूल उठाया, ये त्रिशूल होता है शिव जी का त्रिशूल है ना. दुर्गा माता त्रिशूल उठाया और दुर्गा माता ने एक तरफ तो मुंडी काटी, दूसरी तरफ त्रिशूल मारा छाती पे. और जब दोनों एक साथ लगे तब वो जाके गिर गया और मर गया. फाइनली 9 days 9 nights दुर्गा माता इस महिषासुर से युद्ध करती रही. फाइनली गिर के मरा, इतना पावरफुल वो था. और दुर्गा माता इतनी पावरफुल, सारे देवताओं की शक्ति, सारे देवताओं का पावर उनमें था, सारे देवताओं ने उनको अपने वेपन्स दिए थे. तो दुर्गा माता फाइनली वो गिर गया और मर गया. और दुर्गा माता, ये काली माता, काली माता ने सारे सारे स्कल्स की वो पहन ली और सारे राक्षसों को मारा. एक राक्षस महिषासुर था, फिर रक्त बीज आया, फिर निशुम्भाया, चंडाया, मुंडा, इतने राक्षसों को दुर्गा माता ने मारा. अच्छा अब मुझे बताओ, 9 nights तो हमें पता लग गई है ना, हमने 9 nights में, पर हम अगर दुर्गा माता ने राक्षसों के मारा तो हमें क्या, हम उनकी पूजा क्यों करें? कौन बताएगा? अगर दुर्गा माता ने राक्षसों को मार डाला तो सो व्हाट, हम उनकी पूजा क्यों करें? हमारी लाइफ में क्या चेंज आया अगर दुर्गा माता ने राक्षसों को मारा?
आगे आगे दोबारा बोलो क्योंकि आपकी आवाज क्लियर क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो अच्छी और उन्हें अच्छा काम करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दुर्गा माता, दुर्गा माता और राक्षसों को मारा भी, राक्षसों को मारा। आपका वीडियो ऑन करूं आने भरत समट, अपना वीडियो ऑन करो, है ना? ओके, तो मुझे ये बताओ कि दुर्गा माता ने बहुत अच्छा काम करा, दुर्गा माता ने राक्षसों को मारा, दुर्गा माता ने अधर्म को खत्म करा, और दुर्गा माता ने सारे मनुष्यों की स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक सबकी जान बचाई, बचाई ना, है ना? इसलिए हम दुर्गा माता को प्रे करते हैं कि हे दुर्गा माता, जैसे आपने सारी सृष्टि का उद्धार करा, वैसे आप हमारा भी करो और हमें ब्लेस करो। जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम किससे मांगते हैं? जब हमें कुछ चाहिए आप पापा मम्मी से मांगते हो ना चीज़ें? भरत समझ, आप मांगते हो ना पापा मम्मा से? मांगते हैं, है ना? तो वो दुर्गा माता जो है वो पूरे जगत की माँ है, वो जग जननी है ना? वो जो पूरे जगत की माता होती है ना, तो उनसे हम प्रे करते हैं, मांगते हैं लॉन्ग लाइफ, गुड विशेस, अच्छी ब्लेसिंग्स, सब सब बच्चों को बहुत सक्सेसफुल बनाए, सबकी तरक्की हो, है ना? लेट्स गो बैक टू आवर स्क्रीन शेयर एंड लेट्स सी के नवरात्रों में पूजा करते हैं हम, नाइन फॉर्म्स की पूजा करते हैं, है ना? तो एक श्लोक है, आप लोग सब सुन लो बच्चों, है ना? प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति पुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। नाइन तरह की गॉडेसेस होती हैं, हर दिन एक गॉडेस का एक डे होता है, और हम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, पुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, और इसीलिए हम इनकी पूजा करते हैं। जो अगली नवरात्रि आती है उसमें जो नाइन्थ डे होता है वो महादुर्गा महानवमी होती है, पर ये जो नवरात्रि है इसका नाइन्थ डे है। किसको पता है क्या आने वाला है अब? ये ये जब नवरात्रि खत्म होगी क्या आएगा? रामनवमी, रामनवमी नेक्स्ट टाइम वाली, दुर्गा पूजा नेक्स्ट टाइम वाले। ओके, अब नाउ क्विकली वी विल सी व्हाट रामनवमी इज। गुड, आर द चिल्ड्रन इंटरेस्टेड और आर दे बोर्ड? कौन बोर हो गया जल्दी बताओ, कोई बोर हुआ है अभी तक? बोर हुए कि सुनना है आगे? शैल आई स्टॉप? सुनना है भरत सवर को, सुनना है कि मैं हीरल आपको सुनना है कि स्टॉप कर दूं यहीं पे? मैम सुनना है, सुनना है। ज्योति जी आपके यहाँ से सुनना है कि मैं स्टॉप करूं सेशन यहीं पे? जल्दी बताओ, मुझे थम्स अप चाहिए। हैप्पी फेसेस मधु जी, आपको आगे सुनना है? ओके ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट रामनवमी इज ऑल अबाउट। तो हमने देख लिया नवरात्रि, है ना, और हमने देखा अब रामनवमी देखेंगे, क्विकली क्विकली देखेंगे। हम में से किसको पता है ये कौन सा राक्षस है? जल्दी से बता दो। रामनवमी अगर, राम अगर आते हैं तो कौन सा राक्षस हो जाता है? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, और न जाने कितने कितने। वो एक समय था जब एक ऐसा टाइम आया था जो पूरे अर्थ पे राक्षसों का राज हो गया था, और सारे लोग त्राही 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 कर रहे थे। और उस समय एक बहुत पावरफुल राक्षस हुआ रावण, है ना? और वो रावण ने इतनी तपस्या करी,
कुंभकर्ण ने विभीषण ने सब में जाके अगेन ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया। सब कहने लगे ब्रह्मा जी आप क्यों वरदान दे देते हो, आप वरदान दे देते हो और सारे राक्षस पावरफुल हो जाते हैं, और जब राक्षस पावरफुल हो जाते हैं उनमें इतना अहंकार आ जाता है और वो अत्याचार करते हैं। और रावण ने इतना अत्याचार करता था, रावण वो सच अ बैड राक्षस के जो हवा बहती है ना वो भी रुक जाती थी, सन आना बंद हो जाता था। अच्छा मुझे बताएगा कौन, अगर हवा नहीं आएगी तो हम जी सकते हैं कि हम मर जाएंगे, जल्दी से बताओ, मर जाएंगे। अगर सन नहीं आएगा एक महीना दो महीना तीन महीना तो अर्थ पे लाइफ होगी, मर जाएंगे। और अगर वाटर ओशन बहना बंद कर देंगे, रेन आनी बंद हो जाएगी, तो हम जी सकेंगे कि हम मर जाएंगे। क्योंकि पानी, अगर पानी नहीं होगा तो हमारे पास पानी की बताओ। ये छोटे से मेरी मुन्नों को पता है कि अगर वाटर नहीं होगा तो हम लिविंग नहीं रह सकते ना, वाटर के बिना हम नहीं रह सकते ना, इसीलिए तो हम अपनी नदियों को प्रे करते हैं, है ना, गंगा माता को, सारी नदियों को हम माता बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं, जल्दी से बताओ। और तुम्हारे बाकी दो भाई कहाँ हैं आज, अने भैया यहीं पे बैठे हैं, अच्छा ठीक है ओके ये रहा अने विद्या मुझे, ओके सो लेट्स गो बैक क्विकली टू आवर स्क्रीन शेयर। वो टाइम है जब बहुत अत्याचार बढ़ गया था, सारे राक्षस थे, रावण इतना पावरफुल हो गया था, सारे लोग पहुंच गए, कहाँ पहुंचे, फिर विष्णु भगवान के पास, सारे देवता पहुंच गए। तो विष्णु भगवान कहते हैं आप अपना काम क्यों नहीं करते, बार बार मेरे पास क्यों आ जाते हो, बार बार तुम सोचते हो मैं ही तुमको आके बचाऊंगा, अपने आप स्ट्रांग बनो। सारे बच्चों को ये लेसन है, खुद स्ट्रांग बनना है ना, सबको सेल्फ डिफेंस भी सीखनी है, स्ट्रांग बनना है, पावरफुल बनना है, बार बार हाय 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 करके भगवान भगवान नहीं कर सकते हम, है ना, हमें भी स्ट्रांग और पावरफुल बनना है कि नहीं, गर्ल्स एंड बॉयज सबको बनना है, है ना। सो लेट्स गो बैक टू अवर स्क्रीन शेयर। तो जब वो राक्षस था रावण, बहुत बढ़ गया उसका अत्याचार, और रावण क्या करता था, सारे ऋषियों को ब्राह्मणों को इतना तंग करता था, किसी को पूजा नहीं करने देता था, सबकी तपस्या भंग करता रहता था, और सबको सबकी पूजा में मांस डाल देता, गंदे 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 काम करता था, मार डालता था, काट डालता था। अंत में सारे देवता और ऋषि मुनि पहुंचे विष्णु भगवान के पास, और विष्णु भगवान को बोला हम बहुत परेशान हैं, आपको तो हमें बचाना ही पड़ेगा। तो विष्णु भगवान तो गरुड़ पे आते हैं ना, ये देखो ये गरुड़ है ना, गरुड़ पे, और इन सब लोगों ने मिलके बोला कि सारी पृथ्वी सारा हमारा अर्थ, हम दुखी हो गए हैं, ये विष्णु भगवान हमें बचा लो। तो विष्णु भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगा अर्थ के ऊपर, मैं स्वर्ग लोक से अर्थ पे आऊंगा और एक नया अवतार लूंगा और मैं तुमको हेल्प करूंगा, परंतु तब तक तुम्हें पावरफुल बनना है, तुम्हें अपनी हेल्प खुद करनी है, तुम्हें एक्सरसाइजिंग, अच्छा खाना, अच्छा सबसे अच्छा नेचर बना के, सबसे अच्छे से बात करके, बड़ों से रिस्पेक्ट करके, तुम लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना है, पावरफुल बनाना है। सब बच्चों को समझ में आई मेरी बात, कि भगवान भी उसी को हेल्प करते हैं जो खुद को हेल्प करता है, समझ आ रही है, आधे आने भरत समाधान। अगर हम बैठे रहेंगे भगवान 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 भगवान, भगवान नहीं आता है ऐसे, भगवान कहते हैं पहले स्ट्रांग बनो, पावरफुल बनो, पापा मम्मा की सबकी टीचर्स की बात मानो, अच्छे बच्चे बनो, खूब पढ़ो लिखो, खूब स्ट्रांग अपने आप को बनाओ, ओके समझ गए, ओके। तो हमारी स्टोरी आगे चल ही नहीं पाती, इतने बीच में हम लोगों को ये करना पड़ता है ना। अच्छा फिर क्या हुआ, अब उधर क्या हुआ, एक था अर्थ के ऊपर एक किंगडम था, हमारी कंट्री का क्या नाम है, हमारी कंट्री का नाम क्या है, इंडिया, है ना। तब एक राज्य हिंदुस्तान, हमारी कंट्री के तीन नेम्स है, इंडिया भारत हिंदुस्तान, गॉट इट, इंडिया भारत हिंदुस्तान, है ना। तब उस समय एक था अयोध्या का राज्य, उस अयोध्या के राज्य पे इक्ष्वाकु वंश के रूलर्स थे, और उस समय का राजा थे दशरथ। दशरथ बहुत पावरफुल रूलर थे, पूरी अर्थ के ऊपर रूल करते थे, सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया ग्रेटर इंडिया,
फ्रॉम साइबेरिया कहाँ कहाँ तक, सारे में इंडिया का रूल था, भारत का रूल था, अयोध्या का रूल था। तो तब दशरथ महाराज पर बहुत दुखी थे। पंडित कहेगा दशरथ महाराज क्यों दुखी थे, इतने पावरफुल थे तब भी दुखी थे, क्यों थे? उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, उनके पास कोई पुत्र नहीं था, कोई भी बेबी नहीं था घर में। जिस घर में बेबीज नहीं होते हैं ना, सब बड़े दुखी हो जाते हैं। अब आप लोग के पापा मम्मा सब खुश है ना, दादी दादू नानी नानू है ना, कि आप लोग घर में हो। तो जिस घर में बेबीज नहीं होते हैं ना, वो घर में अनहैप्पी हो जाते हैं। और स्पेशली जो किंग होता है, किंग को क्यों चाहिए बेबी? क्योंकि जब वो राजा की डेथ हो जाएगी तो रूल कौन करेगा? इतना पावरफुल किंगडम और रूल करने वाला कोई नहीं। तो दशरथ महाराज ने बहुत सारी तपस्या करी, दशरथ महाराज ने बहुत बड़े बड़े हवन करे, पूजा करी, पाठ करा। उन्होंने एक ऋषि श्रृंग नाम के मुनि, एक बहुत बड़े ऋषि को बुलाया, अश्वमेध यज्ञ करा, पुत्र कामेष्टि। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सब मैंने ये सेशंस कर रखे हैं वाल्मीकि रामायण में, है ना? ओके, और जो बाकी लोग जुड़े हैं प्लीज मेरे पिछले सेशंस वाल्मीकि रामायण वाले देख ले, आपको ये सारी बैक स्टोरीज में मिल जाएगी। तो अयोध्या में दशरथ बहुत परेशान, कोई पुत्र नहीं है उनका। फाइनली उनकी जो तीनों रानियां वो भी बहुत परेशान। दशरथ महाराज ने सोचा यज्ञ करते हैं, तो अश्वमेध नाम का यज्ञ, एक सेकेंड मेरे को इसको करने दो, अश्वमेध नाम का यज्ञ करने का सोचा। उसके बाद पुत्र कामेष्टि उन्होंने यज्ञ करा, उनकी डॉटर शांता और उनके पति ऋषि श्रृंग आए, उन्होंने यज्ञ करा। उस यज्ञ में से एक मैजिकल डिवाइन बीइंग निकला, वो मैजिकल डिवाइन बीइंग यज्ञ पुरुष निकले और हाथ में प्रसाद लेके निकले। उसमें हविष्य था, खीर थी। उन्होंने दशरथ को कहा आप तीनों रानियों को खिला देना। तो कौशल्या को उन्होंने दिया, सुमित्रा को 2 portions दिए, कौशल्या को 1 portion, कैकेयी को 1 portion, और मैजिक के साथ तीनों रानियां प्रेग्नेंट हो गई, है ना? तीनों रानियां जब प्रेग्नेंट हुई, सारी अयोध्या बहुत खुश हो गई, दशरथ महाराज बहुत हैप्पी हो गए। और कुछ समय बाद सारे ब्रह्मा जी और देवी देवता सब बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान ने कहा था वो अर्थ पे जन्म लेंगे, और अर्थ पे जन्म, और वो लोग बहुत प्रसन्न हुए, और अर्थ पे जन्म हो गया। किसका? श्री राम का। तो श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन, जो अब आएगी 4-5 दिन में, उनका जन्म हुआ। और जब इनका जन्म हुआ श्री राम का, उसके बाद भरत हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। ऐसे उस घर में जहाँ पे एक भी बेबी नहीं था, वहां पे 4 babies हो गए। देवताओं ने फ्लावर्स की वर्षा करी और सारे अयोध्या वासी इतने हैप्पी। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ स्वयं भगवान रूप, एक बेबी के रूप में आए हैं। और वो क्या करने आए हैं, राम क्या करने आए, दुर्गा क्या करने आई थी रावण को मारने के लिए। तो सारी प्रजा को पता लग गया और लक्ष्मण के लिए। यस, सब हैप्पी हो गए। जब आपके आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, आप हैप्पी होकर डांस करते हो ना, आप खुश होते हो तो डांस करते हो ना। जब स्कूल की हॉलीडेज हो जाती है, ये छुट्टी हो गई, डांस करते हो कि नहीं, जल्दी से बताओ। हाँ है ना, अभी कर रहे। ओके, तो सारी प्रजा बहुत खुश हो गई। और वो है रामनवमी का डे। तो चैत्र मास में रामनवमी का डे है। और ओ ये क्या हुआ? अच्छा, दिख रहा है किसी को? स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी मैम। हाँ, तो राम की हम क्यों पूजा करते हैं? तो रामनवमी तो मैंने माना, चलो बर्थडे है राम का, परंतु रामनवमी क्यों सेलिब्रेट करनी चाहिए? रामनवमी अगर राम का बर्थडे, तो हमें क्या? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? आपका बर्थडे आपके पेरेंट्स मनाते हैं, स्कूल में मनाते हैं, है ना? पर अगर आपकी लाइफ ऐसी हो कि आपने सब लोगों को खुशी दी है, अगर आप अपनी बिल्डिंग में, अपनी सोसाइटी में हर एक से अच्छे से बोलते हो, अपने स्कूल में अपने टीचर से अच्छे से बोलते हो, तो सब खुश होंगे जब आपका बर्थडे होगा ना?
ऐसे राम का आचरण, राम का कंडक्ट, राम का बिहेवियर इतना अच्छा था, इतना एग्जेम्पलरी था, आइडियल मर्यादा पुरुषोत्तम हाईएस्ट बीइंग, और राम ने हमेशा सबके लिए किया, सबको हेल्प करी, सबके लिए सोचा, इसीलिए हम राम की पूजा करते हैं कि जैसे राम जी ने दूसरों के लिए करा, हे भगवान आप हमें राम जी जैसा बनाओ, हम अच्छे से बिहेव कर सके, हे भगवान हे राम जी आप हमारा बिहेवियर, हमारा हमारा आचरण, हमारा कंडक्ट, हमारी हम आपके जैसे बन सके। समझ में आ रही है, किस किस को समझ में आ रही है? तो इसीलिए हम रामनवमी बनाते हैं। आ गए दोनों हाथों से समझ में आ गए? ओके, आई थिंक वी गॉट द लास्ट स्लाइड लेफ्ट, लेट्स डू दैट क्विकली। ओके, तो जैसे राम ने अवतार लिया था बुराइयों से लड़ने के लिए, तो अब हम अपनी बुराइयों से लड़े। कौन सी बुराइयां? जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर लेजीनेस है, जो हम बड़ों से डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो हम टीचर से अच्छे से बात नहीं करते, जो हम अपना होमवर्क नहीं करते, जो हम अपने भाई बहनों से लड़ते हैं, वो सब हमें नहीं करना। हमें अपने अंदर की लड़ाइयों से लड़ना है, हमें अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना है, एंड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बनना है। अब हमने क्या समझा, ये लास्ट था, हमने क्या समझा कि 9 days और 9 nights हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, और जो 10th day आता है इस नवरात्रि में वो रामनवमी होता है। ठीक है, समझ आ गई सबको? ओके, तो शैल वी डू द श्लोका? किसी को कुछ कहना है, जो बड़े जुड़े हैं, कोई कुछ शेयर करना चाहता है, आप लोग कोई अपना पॉइंट देना चाहते हैं, कोई कुछ कहना चाहते हैं? मधु जी आपको कुछ कहना है? अच्छा, और शालू मानिका आर यू देयर? आ कहीं से आवाज आ रही है, म्यूट कर रही थी अपना। आते आने आपके यहाँ से आ रही है क्या? अच्छा मधु जी, आप लोगों ने सेशन आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं? अच्छा। तो ये हम जो कर रहे हैं ये बच्चों के लिए करते हैं, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है 5 से लेकर 12 साल तक के बच्चे, हम इनको श्लोकों से, मंत्रों से, अपने संस्कृति से, इन अ फन वे, जैसे इनको बोले लगे और ये जुड़े भी रहे, तभी हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी, है ना। हम सिर्फ शिक्षा शिक्षा देंगे तो ये लोग एंजॉय नहीं करते, तो वो आगे नहीं बढ़ते, है ना। चलिए, तो अगर किसी को कुछ कहना नहीं है तो हम सेशन एंड अप करते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, वन सेकेंड, गिव मी अ सेकंड। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी, मोस्ट वेलकम। मैं कह रही थी आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए जी। मैं पहली बार जुड़ी हूँ, बहुत अच्छा लगा, और बच्चे जो आज की भाषा है, बच्चों की भाषा शैली बताने का तरीका, इंटरेस्टिंग तरीका, बिल्कुल चाहूंगी आज पहली बार है, जरूर आगे बहुत बच्चे जुड़ते चले जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बेटा आप म्यूट करें, कहाँ से आवाज आ रही है? अर्चना जी शायद आपके यहाँ से आवाज आ रही है, मैंने कर दिया म्यूट, है ना। तो मधु जी प्रयास यही है कि बच्चों को, बच्चों के लेवल पे आके अगर हम कुछ समझाने का प्रयास करते हैं तो बच्चे बहुत ओपन है, पर हमें वो राइट वर्ड्स, राइट लैंग्वेज, राइट टोन, और हमारी संस्कृति तभी बढ़ेगी आगे क्योंकि बच्चों के हाथ में है, है ना। अगर हम आगे बढ़ेगी तब, जब बच्चे इसको टेक ओवर करेंगे, नहीं तो बढ़ नहीं सकते, है ना। और इसी तरह से मधु जी हम लोग स्वाध्याय क्लब करते हैं, स्वाध्याय क्लब में हमने पूरी वाल्मीकि रामायण कर ली है, अलग अलग लोग सेशंस भी लेते हैं। अब हम महाभारत शुरू करेंगे, ये महाभारत रखे हैं यहाँ पे पीछे, तो महाभारत अपने अपने घरों में मंगवाएं, ये अंग्रेजों की चाल थी ये बोलने के लिए, बिकॉज अंग्रेज नहीं चाहते थे, हम वो कॉलोनाइजर थे, हम कॉलोनाइज, वो नहीं चाहते थे हम पावरफुल बने, तो उन्होंने हमें अपने ही इतिहास पुराण से, हमें अपने ही शास्त्रों से दूर कर दिया। तो मैं अपने सब बच्चों को मोटिवेट करती हूँ, महाभारत अपने घरों में मंगवाएं, उसे रखें। महाभारत नहीं रखने की वजह से हमारे देश का वो हाल हुआ है जो हुआ। अब हम सबको अपने आप को सक्षम बनाना है, अपने शास्त्रों से जुड़ के सक्षम बनाना है, है ना। तो स्वाध्याय क्लब में जब भी सेशन शुरू होंगे आप सब लोगों का स्वागत है। और अब मैं ये सेशन वाइंड अप करती हूँ। तो सारे बच्चे सीधे बैठेंगे, स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, हाथ जोड़ेंगे, एंड आई एम गोइंग टू डू द मंत्र। आप लोग अपने म्यूट करके मंत्र बोलेंगे। जो पुराने बच्चे थे आज उनमें से काफी नहीं है, तो सिर्फ अपने आप को स्ट्रेट रखें, सुनने से
श्रवण शक्ति बनती है। सुनने से ही हमारे वेद सारे दोहराए जाते हैं, ओरल लिनेज है हमारी, तो सुने और अपने मन में दोहराए जोर से रहें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को 1 बजे देवदीति फाउंडेशन के वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम के अंतर्गत, जहाँ हम बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस लेके आते हैं। हम एक्चुअली वाल्मीकि रामायण कर रहे हैं, परंतु जब कोई त्योहार ऐसा इंपॉर्टेंट आ जाता है जो बच्चों से शेयर करना बहुत जरूरी होता है, तो वो पर्टिकुलर सेशन हम उस त्योहार पे ले लेते हैं। अदरवाइज हम बच्चों के लिए वाल्मीकि रामायण करा रहे हैं और 25 सेशंस वाल्मीकि रामायण के हो चुके हैं। तो आप में से जो भी जुड़ना चाहे प्लीज वो सेशंस यूट्यूब चैनल पे हैं, मधु जी आपको लिंक दे देंगी, अगर आप उनसे जुड़े हुए हैं आप उनको सुन लें और फिर नेक्स्ट टाइम से हमारे साथ जर्नी पे आगे चलें। हरिओम। हरिओम एवरीवन। थैंक यू। हरिओम मैम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लोनिका प्लीज मेक द अटेंडेंस। ओके ऑल राइट। यस मैम। बाय बाय।